आपको आप लोग को पता है जब आप लोग बैठे होते हैं थोड़ा मुझ पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है कि मैं सही बोल रही हूँ ना कि नहीं बोल रही. बट बात यह है कि हम लोग आज सहाबियात के हवाले से जिक्र कर रहे हैं. अज़ीमी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे. जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में शुरू में कहा कि उस वक्त जो भी पढ़ा लिखा होता था, पढ़ी लिखी होती थी, उनसे काम लिया जाता था, कभी उनको डीमोटिवेट नहीं किया गया या उनकी राय को सुना जाता था. तो अगर हम उसको कंपेयर करें या फिर अगर आप यू नो जस्ट शेड लाइट ऑन व्हाट यूज्ड टू हैपन उस दौर में कि उनकी राय की कितनी अहमियत थी. देखें, इंसानियत का जो निज़ाम है, पहली बात तो कुरान करीम ने ये बयान फरमाई है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, मर्द और औरत दोनों से हमने कायनात को, इंसानियत को पैदा किया. फिर हदीस है अन्निसा शकाइक़ुर रिजाल, के औरतें जो है ये मर्दों का हिस्सा हैं, और ये दोनों गोया के गाड़ी के दो पहिए हैं या दो क्वाड़ हैं, जिनके बग़ैर, औरत के बग़ैर कोई भी दुनिया का निज़ाम नहीं चलता. तो इस्लाम की इमारत भी इन दोनों पर खड़ी है. और ये जो बात जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया है, एक किताब इस हवाले से लिखी गई है कि सहाबियात का कमाल सिर्फ ये नहीं था कि वो आफीफात थी, पाकदामनी की सिफत सिर्फ बयान की जाती नहीं, उनका किरदार था. जैसे किरदार की तरफ आपने इशारा किया, हज़रत कौन सी सहाबिया थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने मशवरा दिया, समझाया और एक हिदायत दी, और उन पर उन्होंने अमल किया. हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ज़वा हुदैबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाना चाह रहे थे, सहाबा किराम से कहा कि आप हराम खोल दो और सर मुंडवाओ बाल, तो कोई नहीं उठा, यानी किसी ने वो बात नहीं मानी. हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो ज़ौजा हैं नबी अलैहिस्सलाम की, उम्मुल मोमिनीन है, उन्होंने फरमाया आप चाहते हैं कि ये सारे लोग वापस चले जाए, हराम खोल दें. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बिल्कुल. तो फरमाया आप हल्लाक को बुलाएँ और वो आपके बाल मुंडवाए पहले, तो फिर ये सब जो है आएँगे. नबी अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अमल फरमाया, सारे सहाबा एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं और सब ने जो है वो काम कर दिया. हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का वो किरदार है, उनके राय का, कि इतनी बड़ी वक़ात थी, इतना बड़ा उसका मकाम था, और उसी से वो पांसा पलट गया. तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट बात अज़ीम साहब, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को सुना, उनको इम्पोर्टेंस दी. और आजकल अगर हम राउफी साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर आजकल हम अपने घर में देखें या अपने आसपास देखें कि ख्वातीन की राय को इम्पोर्टेंस दी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ख्वातीन, कोई खातून है तो वो इम्पोर्टेंट बात करेगी या कोई पते की बात करेगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सहाबियात की ज़िंदगी हम सब के लिए रोल मॉडल है, और दुनिया और आखरत की कामयाबी, इज़्ज़त, खुशहाली वो सहाबियात के कदमों से, उनकी सोच से, उनके किरदार से, उनकी सीरत से ही हमें मिल सकती है. इसके अलावा सब अंधेरा ही अंधेरा है. अगर हम सहाबियात की ज़िंदगी में नज़र डालते हैं तो हमें सहाबियात बिजनेस में नज़र आती हैं, वेलफेयर सोसाइटियाँ कायम करती हुई नज़र आती हैं, सियासत में, लीडरशिप में नज़र आती हैं, मजहबी मुशावरत में नज़र आती हैं, कंसल्टेंसी में नज़र आती हैं, नर्सिंग, मेडिकल, एम्बुलेंस सर्विसेज में नज़र आती हैं, तालीमी इदारे कायम करते हुए नज़र आती हैं, घरदारी के उमूर को अहसन तरीके से अंजाम देते हुए नज़र आती हैं, इबादत के अंदर सारी सारी रात मुसल्ले पर आंसू गिराती हुई नज़र आती हैं, एक एक आयत को 6-6 घंटे तक रिपीट करके अल्लाह के सामने आंसू गिराती हुई नज़र आती हैं, और इसके साथ साथ अपने बच्चों के अंदर शौक़ जिहाद और वतन की मोहब्बत भरती हुई नज़र आती हैं. मैं चंद पहलू के ऊपर नज़र डालता हूँ. सबसे पहले बिज़नेस को लेते हैं. हमने हज़रत यौम खतीजा रज़ी अल्लाह तआला के दिन हमने बताया था कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला का कैसा बिज़नेस था. वेलफेयर सोसाइटी को अगर हम देखते हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हैं, उम्मुल मसाकीन के नाम से वो मशहूर थी. जब वो दुनिया से गईं तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके ऊपर रो रही थी और कह रही थी कि ज़ैनब तुम तो चली गई दुनिया से, लेकिन अपने पीछे यतीमों, बेवाओं और मसाकीन और फुकरा का एक जमकट्टा छोड़ के चले गई, जिनके चूल्हे आपके ताउन से चलते थे, और वो ये जो लेदर की टैनिंग होती वो करती थी, चरखा काटती थी. अच्छा. और जो भी आता था वो खर्च करती थी. तो वेलफेयर सोसाइटी बहुत बड़ी कायम कर रखी थी हजरत ज़ैनब ने. सियासत के अंदर आप देखें कि एक खातून की राय का किस कदर एतबार है. फतेह मक्का के मौके पे हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ लाई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गुसल फरमा रहे थे फतेह मक्का के बाद. तो पूछा कौन, तो उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला जो हजरत अली की बहन हैं, सिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा मैं हूँ.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा क्यों आई हो, तो कहा कि मैं कुछ लोगों को पनाह देना चाहती हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको कुछ ना कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अजरना मन अजरतिया उम्महानी, उम्महानी जिसको आपने पनाह दे दी हमने भी उसको पनाह दे दी। आप देखें कि खातून की राय का किस कदर एतबार है और सियासत के अंदर किस कदर अमल दखल है कि हज़रत उम्महानी रज़ी अल्लाह तआला जिसको पनाह दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैंने पनाह दे दी और गवर्नमेंट ने उसको पनाह दे दी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कंसल्टेंसी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक खातून अपने घर के अंदर जो वो चाह रहे हो, मुझे इस सिलसिले में हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला का अनहा का वाक़िया बड़ा अजीब है। उनके हस्बैंड हज़रत अबू तलहा गए हुए थे तिजारत के लिए और कुछ अरसे के बाद वापस आए, जिस दिन वो वापस आए उसी दिन उनके बेटे का इंतकाल हो गया था। तो इन्होंने घर वालों को कहा कि बेटे को नहला कर कफन पहना के दूसरे रूम के अंदर रख दिया और कहा कि जब तक मैं अबू तलहा से बात ना करूँ तब तक किसी और ने बात नहीं करनी। जब वो आए उनको अच्छी तरीके से खाना खिलाया, उनको अच्छी जो भी उनकी ज़रूरियात थी वो पूरी की और उसके बाद आखिर में उनको कहा कि अबू तलहा ये बताओ कि अगर आपके पास कोई अमानत रखा है तो आप उसकी अमानत को वापस करोगे या नहीं करोगे। तो अबू तलहा ने कहा कि बिल्कुल वापस करूंगा। कहा कि आपका बेटा वो अमानत थी जो अल्लाह ने वापस, यानी किस तरीके से जिस तरह उन्होंने बात की। बिल्कुल, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रही मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि हमें खवातीन किस किस प्रोफेशन में नजर आती थी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या प्रोफेशन थे उनके? तमाम तारीफें अल्लाह सुबहानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक यही सवाल के साथ एक सवाल और जहन में उठा, एक परसेप्शन जो आता है हमारे यहाँ बिलखसूस वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से कि इस्लाम जो है वो क़ैद कर देता है या इस्लाम बांध देता है और इस्लाम ने वुमेन राइट्स के जो हुकूक हैं बेसिकली ख़वातीन के वो उस पर बात नहीं की। या दोनों शेख बैठे हैं, उलमा यहाँ बैठे हैं और देख भी रहे हैं कि इस्लाम वो दीन है जहाँ सूरत और रिजाल कोई नहीं है कुरान में, मगर सूरत और निसा मौजूद है। अंदाज़ा करें, यानी निसा कहते हैं औरत को, तो पूरा एक चैप्टर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सूरत निसा के नाम से नाजिल फरमा दिया। रिजाल कहते हैं आदमियों का, आदमियों के नाम से कोई सूरत नहीं नाजिल हुई मगर कुरान ने सूरत निसा को नाजिल फरमा दिया। और ये इस्लाम है कि जहाँ औरत को 8 हिस्सों से हुकूक में फ़राइज़ में विरासत में हक दिया और मर्दों को 4 तरफ से मिला। तो ये इस्लाम बार बार बात समझा रहा होता है। अब बात आप करें, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिसे हम कहते हैं रियासत मदीना, रियासत मदीना में तमाम उमूर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोबे जात को कायम किया और वहाँ ख़वातीन के राइट्स रहती दुनिया तक लोग सीधे हो जाएं उल्टे हो जाएं, जो अल्लाह के नबी ने राइट्स दिए वो कोई दे नहीं सकता। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और बिलखसूस मक्के के अंदर जब इस्लाम को कबूल किया गया, उस वक्त अम्मा खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो खातून थीं जो अपनी ज़ात में बिजनेस एम्पायर थीं, सबसे उनको मलिकतुल अरब के नाम से मक्का जानता था, कुरैश पूरी दुनिया के अंदर नाम था और इजिप्ट सीरिया जॉर्डन, अब मक्का कहाँ है? बिल्कुल वहाँ से लोग जा रहे हैं और रवायत में आता 700 ऊँट उनके सारो सामान, यानी कि इस ज़माने के अंदर 700 ट्रक जो चल रहे होते थे। और मज़े की बात ये, इस्लाम ने जो बात की बाद में मुशारिका और मुदारिबा, बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला मुदारिबा के उसूल से तिजारत किया करती थी, आप अपना माल मर्दों के ज़रिए बेचा करती थी और उनसे फ़िक्स किया करती थी। उसके बाद ज़ैनब बिनते क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक और सहाबिया हैं जिन जो बिज़नेस के अंदर बहुत माहिर थीं और आप मक्का और मदीना और उनके जो करीबी इलाके थे वहाँ आपके बिज़नेस चल रहे होते थे। ज़ैब व ज़ीनत के हवाले से उस ज़माने के अंदर भी कुछ ख़वातीन थीं जो ख़वातीन की ज़ीनत वगैरह के हवाले से बनाओ सिंगार वगैरह कराया करती थी, जैसे डिज़ाइनर, जिससे डिज़ाइनर कह सकते हैं या ब्यूटिशियन कह सकते हैं। उस ज़माने के अंदर जो ख़वातीन थी जिनका बहुत उस वक्त नाम था रियासत मदीना यानी मदीना सिटी के अंदर, वो उम्मे ज़फ़र थी, उम्मे सुलैम थी, आमना बिनते अफ़ान थी जो बिलखसूस तौर पे पूरी मदीना के अंदर मशहूर थी कि किसी खातून को डिज़ाइन करवाना है अपने कपड़ों को या अपने चेहरे को तो वो उम्मे ज़ुफ़र या उम्मे सुलेम के पास जाए। मिडवाइफ के हवाले से सलमा उम्मे राफ़े रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मशहूर थी, सौदा बिनते मिस्रा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। मुफ्ती साहब कहीं डरो खौफ में तो ये काम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मौजूद है। बल्कि एक रवायत अभी हमारे उस्ताद रऊफ़ी साहब बयान कर रहे थे, कितना इस यहाँ ख़वातीन को प्रमोट किया गया है कि वहाँ बयान किया जा रहा है हक महर के हवाले से, तो एक औरत खड़ी होती है किसके सामने, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान रास्ता बदल लेता है, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत है उसे उमर कहते हैं, कैस और कसरा जिसके नाम से काम जाए उसे उमर कहते हैं, 1 लाख फौज खड़ी हो और इधर नाम उमर हो
वहाँ लोग कांप जाते हैं और एक औरत खड़े होकर उमर से कहती है, उमर अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं कहा था, ये कुरान और हदीस में नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला आप ये देखें, वो उमर ने तलवार नहीं निकाली। हज़रत उमर ने सुना और सुनने के बाद कहा ठीक है आप सही कह रही हैं। कितनी बड़ी अंदाज बात था। है। अच्छा उसके बाद आपको सुना जाता था, राइट्स जाता थे आपके, आपके राइट्स पे बात की जाती थी। और मजे की बात है, जो रियासत का हाकिम था आप उसके सामने बिलमुशाफा बात कर रहे हैं, फेस टू फेस। या तो हमारी हिम्मत और नहीं कि मजे की बात यह है कि उनके चेहरे पर कोई बिगाड़ नहीं आता बल्कि चेहरे पर तबस्सुम आता, तो आपकी बात को समझते। अच्छा खुशबू के हवाले से जो उस जमाने के अंदर एक खातून थे अस्मा रज़ी अल्लाह तआला, उनके हवाले से मशहूर है कि आप बहुत अच्छे परफ्यूम्स पर काम किया करती थी। अच्छा। अल-खयात यानी कि कपड़े सीने वाली, वाकई जो मशहूर डिज़ाइनर थी उस रियासत मदीना में, फातिमा बिनते शिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा इलाज के हवाले से भी दो तीन नाम क्योंकि टाइम बिल्कुल बिल्कुल, हते बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हते फातिमा बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी कि हुज़ूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर। अच्छा। नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपके जख्म पे जो मरम पट्टी की है जंगों के दरमियान, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने की है। हज़रत उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपसे अगर मैं सजेस्ट लूँ मुफ्ती साहब, तो हर शोबे में हमें खवातीन नजर आती है, कहीं उनको रोका नहीं जाता बल्कि वो बड़े आराम से प्रैक्टिस किया करती थी, उनको अप्रिशिएट किया जाता था। आप मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़की का, एक औरत का पढ़ा लिखा होना आगे की नस्ल को चलाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आलम का एहसान है कि हम लोग आज रमज़ान मुबारक के 14वें रोज़े तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका मौजू बहुत अच्छा है, इसलिए कि औरत के हवाले से है और औरत का मर्तबा और औरत का मकाम यह है कि किसी भी तहरीक, किसी भी पैगाम, किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उस तहरीक में हरावल दस्ते के तौर पर औरतें और बच्चे मौजूद हुआ करते हैं। और हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों के मकाम और मर्तबे को बताया, यानी औरतों के ऊपर इल्म हासिल करना वाजिब और लाजिम करार पाया, औरत को बाप की विरासत में से हिस्सेदार करार दिया गया। तो उलमाए इस्लाम भी फरमाते हैं कि ये औरत के जहन में बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए इनको दीन की सही तालीम देनी चाहिए वरना ये अपना दीन ईजाद कर लेती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जब हम सहाबियात के, सहाबी उसे कहते हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने ज़ियारत की हो, जिसने सरकार दे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसब फैज किया हो, तो सहाबियात उसे कहेंगे जो कि खातून हो और शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से उन्होंने कसब फैज किया हो। तो मैं एक खातून का तज़किरा करना चाहूँगी जो कि अस्मा बिनते उमैस हैं, जनाब जाफर तैयार की ज़ौजा हैं। और अस्मा बिनते उमैस वो हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से उनकी क्या रिश्तेदारी है, देवरानी जिठानी का। अगर आज के इस दौर में देवरानी जिठानी का रिश्ता देखें तो कितना खतरनाक रिश्ता होता है। बिल्कुल। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा जब दुनिया से रुखसत हो रही हैं तो जनाब अस्मा बिनते उमैस उस वक्त उनके पास है और वो उनको वसीयतें फरमा रही हैं। अस्मा बिनते उमैस की का हज़रत जाफर तैयार की शहादत के बाद निकाह होता है खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, और उनसे उनका बेटा पैदा होता है जिससे जिनका नाम हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर है। और उसके बाद वो मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली के घर में तशरीफ़ लाती हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बेहतरीन तरीक़ा सहाबियात में हमें नज़र आता है और अस्मा बिनते उमैस का बड़ा दर्जा मकाम है सहाबियात में। और हज़रत अस्मा बिनते उमैस जिनके लिए सहाबे कराम के जिन्होंने जिनकी तारीफ़ की, खुद जना शहजादी कौन है जनाब फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्तों में जनाब अस्मा बिनते उमैस मौजूद रहीं। कितनी बड़ी बात है। अच्छा अजीम साहब मुझे बताएगा कि ये जो बेटियों की तरबियत में हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, चंद चीज़ें जो डेफिनेटली होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि वालदा और वालिद जिस तरह उनकी ज़िम्मेदारी है कि लड़के की तरबियत करें, उसको एक बेहतरीन मुसलमान मर्द बनाए जो मर्दाना किरदार अदा करे, और इसी तरह उनका फ़र्ज़ बनता है कि बेटी को कि इस तरह तरबियत करे कि वो एक बेहतरीन माँ बन जाए। इसलिए कि माँओं से ही इंसानियत ने जन्म लिया है, और अगर माँ के गोद में एक बच्चा जो कुछ सीखता है वो एक पहला मदरसा है बच्चे का। तो माँओं को माएँ बनाना, बेहतरीन माएँ उम्मत मुस्लिमा को, इंसानियत को देना, ये एक बेहतरीन किरदार है। तो बच्ची का ये किरदार होना चाहिए। इसी तरह ये कि जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी हवाले से माशरे को, तो वो अपना किरदार अदा करने के लिए एक जुर्रत और इस्तेकामत के साथ कदम बढ़ाए और हौसला
उसमें हो। जैसे कि सहाबियात की सीरत हमारे सामने है कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया। ये बड़ा अहम है, कायदाना किरदार किसी औरत में हो मतलब यह है कि उम्र से कम नहीं है किसी भी हवाले से। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि तालीम याफ्ता हो ताकि वो खड़ी हो सके, कल को कोई भी वक्त हो, मुश्किल हो तो फिर वो खड़ी हो सके। यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने दीन का निस्फ इल्म हुमैरा से सीखो, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। मतलब आप सोचे कि दी कि आपने एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, और आज के दौर में अगर हम किसी को रोक रहे हैं तो एजुकेशन से कि नहीं ज़रूरत नहीं है इसकी, तो शादी हो जानी है, इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो आप ये देखें कि आपको हमारा दीन क्या कहते हैं और हमारा जहन और हमारा कल्चर क्या कह रहा है आजकल। या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।